महज दो घंटे की बारिश ने पटना के लोगों को परेशान कर दिया है। पिछले साल जल जमा हुआ था और लाख दावे किए गए थे राज्य सरकार की तरफ से, अधिकारी की तरफ से, और इस बार कहा गया कि नाली उड़ाई का काम 90% से ज़्यादा हो चुका है। लेकिन हम आपको नज़ारा दिखाना चाहेंगे। ये पटना का राजवंशी नगर का इलाका है और देखिए स्टाफ क्वार्टर है। ये देखिए कितनी बुरी हालत है, क्या स्थिति बनी हुई है यहाँ आप देख सकते हैं। अब दो घंटे की पानी में ये हालत है, इतनी बुरी हालत है और पूरा घर डूब गया है, घर का पूरा सामान डूब गया है और स्थिति देख लीजिए कितनी ख़राब हालत है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये पूरा नज़ारा आप देख सकते हैं हमारे कह सकते हैं कि लाइव कशिश न्यूज़ चैनल पे, और कितनी बुरी हालत है देखिए। और यहीं से 4 बजे सुबह में कशिश न्यूज़ चैनल को फ़ोन गया था और उसके बाद स्थिति कितनी ख़राब देख सकते हैं, पूरा सामान बर्बाद हो गया है और पूरी तरह से हालात ख़राब है। कितने माने रात भर तो आप लोग रात भर हम लोग जगे हुए हैं, सामान को इधर उधर कर रहे हैं, तो कुर्सी पर बैठ के इसी तरह सामान निकल के उधर बरंडा से पूरा सामान छितरा दिए। ऊंचा हो जाता है तो कुछ राहत मिलेगा क्या? अभी तो शुरुआती बरसात है, दो घंटे की बरसात, दो घंटे अभी तो बरसात बाकी है, अभी तो बरसात आया भी नहीं है। अगर इस तरह का हालात रहेगा, नाले का व्यवस्था नहीं हो पाया सही ढंग से और पाइप वाइप का व्यवस्था, दावे तो फेल हो गए पूरे। अब सामने है देखिए निश्चित तौर पर जो हालात हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए ये जो नज़ारा है पूरा राजवंशी नगर स्टाफ क्वार्टर का नज़ारा है, कितनी बुरी हालत है। रात भर ये लोग जगे हुए हैं, अपने सामान को ये लोग बचा रहे हैं और किसी तरीके से निश्चित तौर पर अपने आप में ये कहा जा सकता है। इस हालात को शायद आप देखिए, ये नज़ारे को देखिए किस तरीके से पूरा सामान बर्बाद हो गया है, सोफ़ा के साथ साथ खाने पीने का भी सामान बर्बाद हुआ है और हालात कितने ख़राब है। राजवंशी नगर का ये इलाका पूरी तरह से स्टाफ क्वार्टर डूब चुका है, कई घर डूब गया है और बिल्कुल स्थिति खराब है। लाख दावे करे केंद्र राज्य सरकार और लाख दावे करे अधिकारी, लेकिन कहीं ना कहीं कहा यही जा सकता है कि पटना की जो नियति है शायद इस बार भी स्थिति और खराब होने वाली है। पिछले बार भी हालात बहुत खराब हुए थे, इस बार भी हालात बहुत खराब हुए हैं। लग रहा था कि इस बार 2 घंटे पानी में ही डूब जाएगा, ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ ये तो सामने है। और हम लोग रिपेयरिंग करने आए थे, रिपेयरिंग में आया था बिजली का रिपेयर करने के लिए, तो हमने बोला था ये रिपेयरिंग मत कराओ मेरा, इसको थोड़ा ऊंचा करवा दो ताकि अगर आने वाले बारिश में हम थोड़ा सा समय अपना काट लें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, रिपेयरिंग वाला तो चला ही गया। दंश आपको झेलना पड़ेगा जो हालत है। हाँ लग तो रहा है, या तो छोड़ के भागना पड़ेगा नहीं तो झेलना पड़ेगा। जेल मत, जैसे अभी लाखों रुपया का सामान मेरा क्षति हो गया, भीज गया, डूब गया, सर जाएगा वो, अब तो वो तो बचने वाला नहीं है। नाम बताइए। मेरा नाम फूल कुमार पटेल है। कहाँ काम करते हैं? ये पुलिस विभाग में काम करते हैं। तो बिजली आए थे बिजली फिलाने के लिए। फिलहाल जो हालात है वो हालात हमने आपको दिखाया राजवंशी नगर का, और पूरी तरह से लोग परेशान हैं और इनका यही कहना है कि 2 घंटे के पानी में तो इतनी बुरी हालत है और शायद अगर मानसून अगर वर्षा बरसने लगा तो स्थिति क्या होगी, ये आप भी समझ सकते हैं। पटना के राजीव नगर से, पटना के राजवंशी नगर से मुर्गू आलम पटना।